Good morning everyone, welcome to the video lecture of television engineering from module 2. So last video में हम लोगों ने देखा था orthicon के बारे में. तो orthicon किस principle पे काम करता है? Photo emission. तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी image को हम लोगों को televise करना होता है, जब उसका light जो intensity होता है वो fall होता है photo emissive surface पे, तो electrons emit होता है. ठीक है, वो electron हमारा फेस प्लेट से जाता है कहाँ? टारगेट प्लेट पे. टारगेट प्लेट का पोटेंशियल 400 वोल्ट ज्यादा होता है फेस प्लेट के या फोटो कैथोड के. तो जब टारगेट प्लेट पे जाता है सारा इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग कहाँ कलेक्ट करते हैं? वो जो वायर मेश लगाते हैं उस पे. और उसके उससे क्या होता है कि हमारा टारगेट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, उसके पहले एक और चीज होता है, इमेज मल्टीप्लीकेशन, जो कि हम लोग ऑर्थिकॉन में जानते हैं. तीन चीज होता है, एक तो होता है फोटो एमिशन सर्फेस, एक दूसरा होता है इमेज मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर. तो फोटो एमिसिव सरफेस तो हम लोग देख लिए कि जब भी हमारा इमेज से लाइट फॉल कर रहा है उस सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है. लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ टारगेट प्लेट की तरफ जाता है और वहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो वो सेकेंडरी एमिशन प्रोड्यूस करता है. मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए थे फेस प्लेट पे या फोटो कैथोड पे, वो जा करके फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं इमेज मल्टीप्लिकेशन. अब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं वायर्ड मेश पे, और जो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? टारगेट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप डिपॉजिट हो जाता है. अब हम लोग एक स्कैनिंग बीम लेते हैं हर पॉजिटिव चार्ज को, और जो टारगेट प्लेट है उसको स्कैन करने के लिए. ठीक है, तो ये था ऑर्थिकॉन का. अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीडिकॉन के बारे में. तो वीडिकॉन क्या होता है? वो भी एक कैमरा ट्यूब है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ऑर्थिकॉन फोटो एमिसिविटी के पे डिपेंड करता था, और यहाँ पे क्या है, फोटो कंडक्टिविटी प्रिंसिपल पे वीडिकॉन डिपेंड करता है. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में, आज इस क्लास में हम लोग वीडिकॉन पढ़ेंगे. तो वीडिकॉन क्या है? फोटो कंडक्शन पे काम करता है. वीडिकॉन का साइज छोटा होता है और ऑपरेशन भी बहुत ईजी होता है. ठीक है, तीन सेक्शन होता है, जैसे वहाँ पे हमारा ऑर्थिकॉन में तीन सेक्शन होता था, इमेज सेक्शन, स्कैनिंग सेक्शन और इलेक्ट्रॉन गनर मल्टीप्लायर सेक्शन. उसी तरीके से यहाँ वीडिकॉन में भी हमारे पास तीन सेक्शन होता है, एक होता है टारगेट सेक्शन, स्कैनिंग सेक्शन और इलेक्ट्रॉन गन सेक्शन. तो ये वाला जो चीज़ होता है जहाँ हमारा टारगेट प्लेट रहता है उसको कहते हैं टारगेट सेक्शन. ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम है इतना दूर स्कैनिंग सेक्शन हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन गन वाला जो सेक्शन है उसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं. तो जिस तरह से उसमें फोटो एमिसिव सरफेस हम लोग यूज करते थे, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग फोटो कंडक्टिव सरफेस यूज करेंगे. तो ये हमारा कैमरा ट्यूब है, यहाँ पे ये ग्लास प्लेट है. इस ग्लास प्लेट के बैक में हम लोग एक कंडक्टिव कोटिंग करते हैं. तो अभी क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट को हमको टेलीवाइज करना है या सीन भेजना है हमको, उससे लाइट फॉल होगा इस ग्लास प्लेट पे. ठीक है, ग्लास प्लेट ट्रांसपेरेंट होता है, तो सारा का सारा लाइट इस कोटिंग पे आएगा. जैसे ही लाइट इस कोटिंग पे आएगा, फोटो कंडक्टिव कोटिंग पे, तो क्या होगा, ये जो फोटो कंडक्टिव सरफेस है उसका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा. मतलब अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है तो रेजिस्टिविटी घट जाएगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा. अगर बहुत डार्क लाइट आ रहा है, ब्राइट नहीं आ रहा है, तो रेजिस्टिविटी वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरिएशन, यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी करेगा. ठीक है, अब हमको क्या, हम लोगों को मेन क्या चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे लाइट वेरिएशन हो रहा है कोई भी इमेज में या कोई भी पिक्चर में, हमको उसी वेरिएशन का यहाँ पे करंट मिले. तो अभी हमको क्या मिल रहा है, इस लाइट वेरिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरिएशन मिल रहा है. उस रेजिस्टेंस वेरिएशन के थ्रू हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास एक करंट मिले. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम भेजते हैं. इलेक्ट्रॉन बीम क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, और यहाँ RL से जो लोड रजिस्टर है वहाँ से हम लोग सिग्नल ले लेते हैं. इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम आता है इस सरफेस पर, और कैसे ये करंट फ्लो करके इन लोगों को वीडियो सिग्नल देता है. तो ये था ओवरऑल. तो वीडिकॉन का ये वाला डायग्राम अगर ईजी लगे तो ये भी बना सकते हैं, और इस जो स्लाइड है उसके नोट्स के अंत में जो बुक में जो डायग्राम है वो भी दिया हुआ है. तो जिनको जिस भी डायग्राम को ड्रॉ करने में सूटेबल लगे या कम्फर्टेबल हो, वो डायग्राम यूज कर सकते हैं. तो अभी वीडिकॉन में ये दूसरा डायग्राम है, अगर ये वाला डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं. तो वीडिकॉन में क्या होता है, ये हमारा टारगेट प्लेट है. ठीक है, टारगेट प्लेट के पीछे में फोटो कंडक्टिव कोटिंग है. ये सब, ये जो हमारा है ये सारा कॉइल है.
ये रेड वाला, ग्रीन, पर्पल, ये ब्लैक सॉलिड लाइन में जो है ये सारा कॉइल है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन है। तो अभी क्या होता है, टारगेट कंसिस्ट ऑफ थिन फोटोकंडक्टिव लेयर ऑफ सेलेनियम और एंटीमनी डिपॉजिट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द टारगेट प्लेट। मतलब ये जो टारगेट प्लेट है इस, ये बहुत ही पतला फोटोकंडक्टिव लेयर इसमें पीछे में रहता है ये टारगेट प्लेट के, ठीक है। और फोटोकंडक्टिव लेयर किस चीज़ का बना होता है, सेलेनियम और एंटीमनी का, ठीक है। दिस कंडक्टिव कोटिंग इज नोन एज सिग्नल इलेक्ट्रोड और प्लेट। मतलब ये जहाँ पे ये कोटिंग होता है, जो हमारा टारगेट प्लेट है, टारगेट के पीछे में जो कोटिंग है उसको हम लोग सिग्नल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, या फिर सिग्नल प्लेट बोलते हैं। तो सेकंड क्या है, द इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ फोटोकंडक्टिव लेयर बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ फोकसिंग कॉइल एंड ग्रिड थ्री। मतलब जब यहाँ पे लाइट फोकस हुआ हमारा फोटोकंडक्टिव लेयर पे, तो फोटोकंडक्टिव लेयर पे क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा उस लेयर का, ठीक है। तो अभी जो भी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से आएगा, ठीक है, वो क्या चीज के मदद से हो रहा है, एक तो फोकसिंग कॉइल के कारण हो रहा है, ये जो रेड वाला है, और दूसरा क्या हो रहा है, ग्रिड नंबर थ्री के कारण। तो ग्रिड नंबर थ्री हमारा कहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो ब्लैक सॉलिड लाइन दिख रहा है, ये मदद क्या करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन बीम को, कि वो जाए और ये जो फोटोकंडक्टिव सर्फेस है उसको स्कैन करे, ठीक है। फोकसिंग कॉइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेट मोशन प्रोवाइड करेगा। ग्रिड 4 provides deceleration to the electron beam so that the electron beam approaches the layer with a low velocity to provide any secondary emission. अब हमारा ये जो ग्रिड है, ग्रिड 4, इसका काम क्या होता है कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका तो वेलोसिटी बहुत होता है, अब अगर वो इतने हाई वेलोसिटी के साथ ये जो सरफेस है उसको हिट करेगा तो क्या होगा, वापस से इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। ये हम लोग ऑर्थिकॉन में देखे थे कि जब इमेज प्लेट से टारगेट प्लेट पे जाता था इलेक्ट्रॉन, तो वो सेकेंडरी एमिशन करता था, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करता था। तो यहाँ पे भी यही हो सकता है कि अगर बहुत हाई वेलोसिटी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये फोटोकंडक्टिव सरफेस को हिट करेगा, तो हो सकता है कि वहाँ का वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या किए हैं, डिसेलरेशन ग्रिड लगाएं, ठीक है। इसका काम क्या है, डिसेलरेशन मतलब डीएसेलरेशन, एसेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना, डीएसेलरेशन मतलब वेलोसिटी घटाना। तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस भी वेलोसिटी से आ रहा है, ये ग्रिड क्या करेगा, उस वेलोसिटी को यहाँ पे आके कम कर देगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है वो सरफेस को क्या करेगा, लो वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, सेकेंडरी एमिशन नहीं होगा, ठीक है। और स्कैनिंग के लिए हमको क्या चाहिए, स्कैनिंग टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट होगा। तो यहाँ से जो भी बीम आ रहा है उसको हम चाहेंगे कि वो मूवमेंट कैसे कैसे करे, टॉप से बॉटम भी करे और लेफ्ट से राइट भी जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, डिफ्लेक्टिंग कॉइल लगाए, ये जो ग्रीन वाला है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एक कॉइल वर्टिकल डिफ्लेक्शन देता है, एक कॉइल वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देता है। तो इसमें जो विडिकॉन में जो खास चीज है वो बस ये देखने का है कि फोटो कंडक्टिव सरफेस से हम लोग करेंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हम लोग समझ गए हैं कि हाँ, कैमरा ट्यूब में जब लाइट फॉल करेगा तो ये जो सर्फेस है उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, ये वाला समझ लेते हैं कि हमारा मतलब अभी इसमें क्या है, ये कैमरा ट्यूब ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ना, तो मान लेते हैं कि इस कैमरा ट्यूब को हम लोग खड़ा करके रखे हैं। तो ये वाला फेस है जहाँ पे लाइट पड़ रहा है, वो हम लोग मानते हैं कि ये रहा, ठीक है। तो अगर हम कैमरा ट्यूब को ऐसे वर्टिकली पोजिशन करेंगे तो मेरा इलेक्ट्रॉन गन यहाँ आएगा, ठीक है, और इधर हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट पड़ रहा है इस पर, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ग्लास प्लेट पर लाइट पड़ा, फोटोकंडक्टिव सर्फेस है, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम जो ये हो सकता है लाइट में एकदम ब्राइटेस्ट चीज़ क्या होगा, वाइट हो सकता है, डार्केस्ट चीज़ हो सकता है ब्लैक। तो ये देखा गया कि जो फोटोकंडक्टिव सरफेस जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें अगर ब्लैक यहाँ से एकदम डार्क लाइट इमेज है तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस 20 मेगा ओम का होगा, और अगर वाइट है मतलब ब्राइटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होगा उस इमेज में, वो उसके लिए रेजिस्टेंस कितना वेरी करेगा, 2 मेगा ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो भी रेजिस्टेंस इसमें वेरी करेगा, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, तो मैक्सिमम ब्राइटनेस व्हाइट हो सकता है, मैक्सिमम डार्कनेस ब्लैक हो सकता है। तो डैट मीन्स जो रेजिस्टेंस वेरी करेगा वो किस बीच में करेगा, 2 मेगा ओम से 20 मेगा ओम के बीच में करेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हमको करंट चाहिए इससे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक डीसी सप्लाई 40 वोल्ट का साथ में लोड रजिस्टर लगाएंगे, किससे, तो फोटोकंडक्टिव सर्फेस से नहीं, जो हमारा ये जो टारगेट था उससे,
ठीक है। ऑर्थिकॉन में हम लोग क्या करते थे 1500 वोल्ट का सप्लाई लगाते थे, जबकि यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ प्लस 40 वोल्ट से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये सप्लाई हम लगा दिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी आएगा और इस सरफेस को स्कैन करेगा। तो इसमें दो चीज होता है, ये जो सर्किट है आउटपुट सिग्नल हम लोग कैसे लेते हैं, ये आरएल के क्रॉस आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैसे लेते हैं तो दो चीज पर डिपेंड करता है, एक तो है चार्ज इमेज, एक है स्टोरेज एक्शन। चार्ज इमेज क्या हो गया, द फोटो लेयर हैज अ थिकनेस ऑफ अबाउट 0.0001 सेंटीमीटर, मतलब ये जो विड्थ है, ये जो फोटो कंडक्टिव सर्फेस है उसका कितना विड्थ है, इतना, ठीक है। और ये कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, जिसका की रेजिस्टेंस कितना है 20 मेगा ओम है व्हेन इन डार्क, डार्क मतलब जब ब्लैक है, ये हम बता चुके हैं। व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स द रेजिस्टेंस अक्रॉस द थिकनेस ऑफ दैट पोर्शन गेट्स रिड्यूसेस टू 2 मेगा ओम, ये भी बताया कि जब ब्राइट लाइट आएगा तो मैक्सिमम ब्राइटनेस वाला लाइट क्या होगा, व्हाइट होगा, ठीक है। तो व्हाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 2 मेगा ओम। तो विथ एन इमेज ऑन द टारगेट, मतलब अगर हमारे पास एक इमेज है इस टारगेट के पास, Each point on the photo layer assumes a certain potential with respect to DC supply, depending on its resistance to the signal plate. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हमारा कोई सिग्नल है तो उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस चेंज होगा, और क्योंकि हम इस चीज़ को लगाए हैं 40 वोल्ट पोटेंशियल से, तो अभी क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज कुछ पोटेंशियल, इस हर पॉइंट का कुछ पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि ये वाले सर्फेस को हम लगाए हुए हैं प्लस 40 वोल्ट से, तो क्योंकि यहाँ पे लाइट फॉल कर रहा है, इस सरफेस का हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है डेट मीन्स हर पॉइंट के रेजिस्टेंस के हिसाब से वहाँ पे पोटेंशियल होगा, हमको वही पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्टोरेज एक्शन। तो ये लिखा है दो लाइट फ्रॉम द सीन फॉल्स कंटिन्यूसली ऑन द टारगेट, ईच एलिमेंट ऑफ द फोटो कंडक्टिव सर्फेस इज स्कैन्ड एट इंटरवल ऑफ फ्रेम टाइम। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई भी कोई कंटिन्यूस चीज़ हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई मैच चल रहा है, उसका हम लोग लाइव टेलीकास्ट अगर चाहते हैं, तो मैच में क्या होगा, हर एक मोमेंट पे वो सीन जो है वो बदल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लाइट फॉल हो रहा है वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग जो फोटो कंडक्टिव सर्फेस पे जो एलिमेंट है उसको स्कैन कैसे करते हैं, कंटिन्यूसली एकदम हर टाइम तो नहीं करते हैं, उसको हम लोग एक पर्टिकुलर इंटरवल में करते हैं, जिसको कि फ्रेम टाइम कहते हैं, ठीक है। 25 फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितना फ्रेम ये होगा, एक फ्रेम कितने हर कितने सेकंड में होगा, 1/25 सेकंड में। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑल्दो हमारा जो यहाँ पे लाइट है वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग स्कैनिंग तो कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो हमारा स्कैनिंग फ्रेम टाइम है उसमें कर रहे हैं। तो इसी के लिए क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन स्टोरेज एक्शन एंड द नेट चेंज इन रेजिस्टेंस एट एनी पॉइंट विल डिपेंड ऑन द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव स्कैनिंग। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर सीन है, तो 1/25 सेकंड हुआ ये वाला चीज़, इस पर्टिकुलर सीन के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज हुआ, हम लोग का स्कैनिंग हुआ, लेकिन यहाँ पे अभी सीन चेंज हुआ लेकिन अभी स्कैनिंग नहीं हो रहा है, स्कैनिंग नेक्स्ट स्कैनिंग कब होगा, जब 1/25 सेकंड और गुजर जाएगा तब ये दूसरा वाला सीन को स्कैन करेगा। तो इससे क्या होता है कि दो फ्रेम के बीच में जो भी हमारा डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस में, वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि हम लोगों का जो टाइम है, जो स्कैनिंग टाइम है, स्कैनिंग इंटरवल है दो फ्रेम के बीच में उस पर, और कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रहा है उस पर, ठीक है। इसको स्टोरेज एक्शन बोलते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू क्या रहता है, दो फ्रेम के स्कैनिंग टाइम के बीच में स्टोर रहता है वो रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे हम लोग आउटपुट सिग्नल लेते हैं, इसको हम लोग लीकी कैपेसिटर कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं आसानी से। लीक करना मतलब लीकी कैपेसिटर, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज स्टोर करना। तो लीकी कैपेसिटर मीन्स ऐसा कैपेसिटर जो कि चार्ज लीक करता हो, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा यही कैमरा ट्यूब का जो आगे का ये था टारगेट था वो है, उसके पीछे ये फोटो कंडक्टिव कोटिंग लगा हुआ है। फोटो कंडक्टिव कोटिंग को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कैपेसिटर और रेजिस्टर से डिनोट किया गया है। फोटो कंडक्टिव जो कोटिंग रहेगा उसी को स्कैन करते हैं, स्कैन करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं उसको नंबर ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स में। तो अभी मान लो कि ये जो सरफेस है इसको बहुत सारे पिक्चर एलिमेंट में डिवाइड किया गया है, तो हर एलिमेंट को, हर एक पॉइंट को हम लोग एक पैरेलल कनेक्शन ऑफ सी एंड आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सी और आर क्यों, कैपेसिटर क्यों, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि इसका स्टोरेज एक्शन रहता है, स्टोरेज एक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर लगाए। और आर क्यों, आर इसलिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है जैसे ही लाइट फॉल होता है। तो ये जो आर है वो क्या है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, मतलब ऐसा रेजिस्टर जो कि लाइट पे डिपेंड करता हो, ठीक है। और ये सी क्या है, सी हमारा है
कैपेसिटर जो कि स्टोरेज एक्शन अभी हम लोग पढ़े कि वो स्टोर करके रखता है, इसीलिए ईच पॉइंट ऑन द फोटोकंडक्टिव सरफेस वी कैन रिप्रेजेंट दैट यूजिंग पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर एंड लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अब ये रजिस्टर में ये जो एरो टाइप का है, उस एरो का मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल है, मतलब ये चेंज हो सकता है, किसी भी कंपोनेंट का अगर वैल्यू वेरी कर सकता है तो उसको हम लोग एक एरो के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अब अभी क्या है, मान लेते हैं कि हमारा कोई भी लाइट यहाँ पे है, ठीक है, टारगेट पे। अब टारगेट पे जब लाइट है, यहाँ पे कोई भी इमेज है जिसको टेलीवाइज करना है, तो लाइट फॉल होगा यहाँ इस प्लेट पे टारगेट पे, वो कहाँ जाएगा, फोटोकंडक्टिव सरफेस पे जाएगा, तो ये लाइट क्या करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा। तो शुरू से सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि चलो कोई इमेज नहीं है, कोई लाइट नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे ये टारगेट को हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं, 40 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ और एक लोड रेजिस्टर लगाते हैं, लोड रेजिस्टर के अक्रॉस जो यहाँ पे हमको पोटेंशियल मिलता है उसको हम लोग लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई लाइट नहीं है, अब कोई लाइट नहीं है क्योंकि ये सारा ये जो कैपेसिटर है, ये हर एलिमेंट जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है, तो अभी क्या होगा, कैपेसिटर को हम लोग 40 वोल्ट के साथ कनेक्ट किए हैं, तो ये जो तीनों कैपेसिटर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तीन ही रहेगा, लेकिन अभी इस फिगर में हम लोग तीन दिखाएं, ये तीनों कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, प्लस 40 वोल्ट तक चार्ज होगा। ये तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर को अगर डीसी पावर सप्लाई के साथ लगाते हैं तो कैपेसिटर पूरा फुल्ली चार्ज हो जाता है, कितने वोल्ट तक, जितना का हम लोग डीसी सप्लाई लगाएं। तो यहाँ पे 40 वोल्ट का लगाए हैं, तो ये 40 वोल्ट क्या होगा, इस कैपेसिटर को भी चार्ज करेगा, यहाँ जा करके इसको भी चार्ज करेगा और फिर इसको भी चार्ज करेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास जितना भी कैपेसिटर है सब एकदम फुल्ली चार्ज है 40 वोल्ट। अब क्या होगा, जब यहाँ पे कोई इमेज है, मान लो ब्राइट इमेज है, तो उसका क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वाला अगर एलिमेंट हम लोग मानते हैं कि चलो इस पॉइंट पे बहुत ब्राइट लाइट आ रहा है, तो अभी क्या होगा, ब्राइट लाइट है इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये फोटोकंडक्टिव सरफेस है, जैसे ही लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो ब्राइट लाइट जब पड़ेगा ये वाला रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से कैपेसिटर से चार्ज लीक होगा, क्योंकि चार्ज का या कोई भी कैरियर जो रहता है उसका नेचर होता है कि वो कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, लीक कर जाएगा, यहाँ से इसका चार्ज लीक करने लगेगा, ठीक है। तो चार्ज लीक करेगा तो ये कहाँ आएगा, ऐसे करके इधर, ये तो पॉजिटिव तरफ ही आएगा, इधर से कैपेसिटर का चार्ज अगर लीक करेगा तो ये पॉजिटिव तरफ आएगा, क्योंकि इसका टेंडेंसी हो जाएगा कि फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है, करंट होता है, तो अभी यहाँ से चार्ज कैरियर फ्लो करेगा और करंट प्रोड्यूस करेगा जो कि हम लोग यहाँ से ले लेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, यहाँ से मान लेते हैं कि ये 40 वोल्ट का था, तो मानते हैं कि ये 40 इलेक्ट्रॉन से चार्ज हुआ, अभी जब इसका रेजिस्टेंस ये कम हुआ तो मानते हैं कि चलो 10 इलेक्ट्रॉन इधर लीक हो गया, तो इसके पास तो अब 30 इलेक्ट्रॉन ही बच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो आता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वो आकर के जितना भी इलेक्ट्रॉन लीक किया है इसको वापस उतना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन लीक किया तो वो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण हमको जो करंट मिला वो तो हम ले लिए, अब ये इलेक्ट्रॉन गन आएगा इसको वापस से 40 वोल्ट का कर देगा, फिर हम लोग सीन चेंज करेंगे, लाइट चेंज होगा तो उसके बेसिस पर रेजिस्टेंस चेंज होगा, फिर अगर रेजिस्टेंस कम चेंज हुआ तो कम चार्ज लीक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आउटपुट वोल्टेज जो है वो लेते हैं, समझ में आया। हम लोग को क्या ये लेना है, जो सिग्नल आउटपुट लेते हैं उसमें क्या हम लोग को होना चाहिए, लाइट का वेरिएशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो लाइट के वेरिएशन के हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, जिस हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी करेगा उसी हिसाब से यहाँ से चार्ज लीक करेगा। अगर लाइट मेरा बहुत ब्राइट है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा चार्ज लीक करेगा, ज़्यादा चार्ज लीक करेगा तो ज़्यादा करंट मिलेगा। लेकिन अगर जो लाइट फॉल हो रहा है वो ब्राइट नहीं है, अगर डार्क है तो डार्क रहेगा तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करेगा उतना, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो चार्ज भी ज़्यादा लीक नहीं होगा, चार्ज ज़्यादा लीक नहीं होगा तो करंट ज़्यादा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, यही यहाँ पे बस लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज वेव्स ऑन फोटो लेयर कैन बी एक्सप्लेन using an array of individual target element, each consisting of a capacitor in parallel with light dependent resistor. मतलब ये जो charge image जो develop होता है, ये photo layer है हमारा, photoconductive surface जो है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं कि photoconductive surface पे each element को हम लोग ये parallel connection of C और R से represent कर सकते हैं। On one end of these target elements is connected to the signal electrode. Signal electrode क्या होता है, अभी हम लोग last इसमें देखे थे सिग्नल इलेक्ट्रोड के बारे में कि वो क्या होता है, जो हमारा फोटो कंडक्टिव ये जो कोटिंग होता है इसी को कहते हैं हमारा सिग्नल इलेक्ट्रोड। तो बोल रहा है कि ये जो टारगेट एलिमेंट है उसका एक जो टर्मिनल है वो सिग्नल इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड रहता है,
और जो दूसरा है वो बीम को फेस करता है, ठीक है, जो कि ये यहाँ पे ये अनटर्मिनेटेड है, मतलब हर एलिमेंट है, ये एलिमेंट का ये वाला कनेक्शन है, ये कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, सिग्नल इलेक्ट्रोड से, और ये जो कनेक्शन ये अनटर्मिनेटेड है, ठीक है, अनटर्मिनेटेड मतलब ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ बीम आता है, अगर बीम इस एलिमेंट को स्कैन कर रहा है तब ये वाला जो एलिमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा इससे, इलेक्ट्रॉन बीम से, तब तक ये सब अनटर्मिनेटेड रहेगा, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी लाइट इमेज द कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल टू प्लस 40 वोल्ट, मतलब अगर यहाँ पे कोई भी लाइट इमेज नहीं है तो ये मेरा जो कैपेसिटर है ये तीनों वो सब 40 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। व्हेन एन इमेज इज फोकस्ड, जब कोई इमेज हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे टारगेट पे, द रेजिस्टेंस चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो रेजिस्टेंस है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा जितना इंटेंसिटी होगा लाइट का उसके हिसाब से। फॉर ब्राइट लाइट एलिमेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ये बता चुके हैं ब्राइट लाइट के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एंड हेंस अ लॉट ऑफ चार्ज फ्रॉम द कैपेसिटर लीक्स अवे एट द टाइम ऑफ स्कैनिंग, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर टू रीचार्ज इट अगेन टू प्लस 40 वोल्ट, यही बता दिया। द कंसीक्वेंट फ्लो ऑफ करंट दैट कंप्लीट्स इट्स पाथ थ्रू RL डेवलप अ सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस इट, मतलब यहां से जो चार्ज लीक हुआ उसके कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा, इस RL के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप करेगा और वही वोल्टेज हम लोग ले लेंगे आउटपुट। तो समरी क्या हुआ कि द इलेक्ट्रॉन बीम सीज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो हर कैपेसिटर पे चार्ज देखता है जब स्कैन करता है, और क्या करता है स्कैनिंग के टाइम में, डिलीवर्स मोर और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिचार्ज देम टू सप्लाई वोल्टेज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीम जब स्कैन करता है हर टारगेट को तो ये देखता है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज है या नहीं है, अगर नहीं है तो कितना इलेक्ट्रॉन कम है या कितना कम चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन बीम वापस से उसको फुल चार्ज कर देता है सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। अब वीडिकॉन का एप्लीकेशन क्या है, ये वीडिकॉन का जो भी हमारा डायमेंशन होता है वो दिया है कि वीडिकॉन इज अ शॉर्ट ट्यूब विद अ लेंथ ऑफ 12 टू 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पूरा कैमरा ट्यूब है वो मात्र 12 से 20 सेंटीमीटर का होता है, और इसका डायमीटर कितना होता है 1.5 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 5000 एंड 20,000 आवर्स। अब वीडिकॉन का यूज कहाँ होता है, तो अर्लियर वीडिकॉन वॉज यूज ओनली वेन देर वॉज नो फास्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लैग, लैग मीन्स डिले, पीछे छूटना, ठीक है, बोलते ना वेर यू लैगिंग बिहाइंड, मतलब पीछे क्यों बना तुम हो रहा है, तुमको डिले क्यों हो रहा है, तो वीडिकॉन सिर्फ वहीं पे यूज होता था जहाँ पे जो भी चीज़ हमको टेलीवाइज करना है वहाँ पे फास्ट मूवमेंट नहीं हो रहा हो कोई भी चीज़ का। तो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वीडिकॉन, स्लाइड्स में, पिक्चर्स में, सीसीटीवी में, कहीं पे सीसीटीवी लगा रहता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सराउंडिंग पे चेंज नहीं होता है, मान लो किसी घर में लगा हुआ है या शॉप पे लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि घर का हमेशा चीज़ चेंज हो रहा है, ठीक है, और होता भी है अगर कोई आदमी इधर से उधर जा भी रहा है तो बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं होता है। उसी तरीके से हमारा जो स्लाइड्स है, जैसे अभी हम स्लाइड से पढ़ा रहे हैं, तो स्लाइड ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो रहा है, हम एकदम जल्दी 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 स्लाइड चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सब जगह हम लोग वीडिकॉन यूज़ कर सकते हैं, इन सब टाइप की चीज़ों को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग वीडिकॉन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी बहुत फास्ट मूवमेंट है वहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि कोई स्पोर्ट्स रेसिंग अभी चल रहा है तो वहाँ का अगर चीज़ हमको ट्रांसमिट करना है तो वहाँ वीडिकॉन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वहाँ क्या होगा, या फिर कोई मैच चल रहा है वहाँ क्या होगा, हर पल बहुत फास्टली चीज़ चेंज होता है। मान लेते हैं कि कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, अब जब बॉल जाएगा तो वो तो बहुत ही हाई स्पीड से जाता है, तो ये वीडिकॉन क्या करेगा, वो लैग हो जाता है, मतलब जितने स्पीड से हमारा पिक्चर चेंज हो रहा है उतने ज़्यादा स्पीड से वीडिकॉन का जो फोटोकंडक्टिव सरफेस होता है वो अपना रेजिस्टेंस नहीं चेंज कर पाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ पे बॉल पहुँच जाता है एकदम बाउंड्री पे, लेकिन हमारा यहाँ पे टेलीविजन पे वो चीज़ थोड़ा बाल आता है, ठीक है, इसीलिए वीडिकॉन में लैग होता है ना। तो हम लोग वीडिकॉन का ये जो इनहेरेंट लैग है, मतलब ये जो डिले वाला प्रॉब्लम है, उसको कैसे दूर करते हैं, प्लम्बिकॉन से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लम्बिकॉन पढ़ेंगे। तो ये जो बुक वाला डायग्राम था इसी के बारे में कह रहे थे कि इस पूरे स्लाइड में तीन डायग्राम है वीडिकॉन का, तो जिसको जो भी आसान लगे वो बना सकता है। पहला तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा जो सबसे शुरू में था ये वाला, ठीक है, तीसरा ये, तो तीनों में से कुछ भी जिसको जो कंफर्टेबल लगे बनाने में वो बना सकता है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।